तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से आ चुकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के केवल और केवल शॉर्ट लिस्टिंग और मेरिट के आधार पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आवेदन करने के लिए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडियन नेवी की तरफ से आ चुके रिक्रूटमेंट के बारे में ए टू जेड डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप सभी लोग कब से लेकर कब तक आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेस में होगा, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट डेट के अलावा हम लोग एज लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्म फीस से लेकर सिलेबस और सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप लोग इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका ड्रीम जॉब है इंडियन नेवी को ज्वाइन करके भारत देश की सेवा करने का, और अभी तक आप लोग वेट कर रहे थे, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखें, ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही साथ बिना किसी डाउट के आप लोग आवेदन भी कर सकें। इसी के साथ आगे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, आवेदन कैसे करना है, कहां से करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके काम की लगे, तो इस वीडियो को एक लाइक करना और आगे आने वाली वीडियोज के अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले बिल्कुल फ्री में पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से नई भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर आपकी आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री होने वाली है। यानी कि आप लोग बिना किसी फॉर्म फीस के आवेदन कर पाएंगे। आवेदन आपको 26 जून 2021 तक करने होंगे। 26 जून 2021 आखिरी डेट है आवेदन करने की। इसके अलावा मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के। केवल और केवल सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग और इसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। आगे ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, जहां पर इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन चेकआउट करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग यहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख पाएंगे इंडियन नेवी SSC ऑफिसर रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, और आपको आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है। इसके बाद बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो टोटल आपको 50 यानी कि 50 पदों पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पे पोस्ट नेम आपकी SSC ऑफिसर की होने वाली है। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, तो आप लोग 12 जून 2021 से लेकर 26 जून 2021 तक आवेदन कर पाएंगे। यानी कि अभी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। वैकेंसीज के बारे में आपको अभी से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। एज लिमिट की बात करें, तो आपको इसके लिए फुल नोटिफिकेशन के अंदर विजिट करना होगा, जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट के बारे में बताया जाएगा। अप्लीकेशन फीस की बात करें, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो। इसके बाद टॉप आई गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, क्लिक है पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ज्वाइन इंडियन नेवी ही रहेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आपकी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य स्टेट से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पे स्किल पेमेंट सैलरी के बारे में, तो ये भी आपको फुल नोटिफिकेशन के अंदर दिया जाएगा कि यहाँ पे वेतन कितनी होने वाली है। इसके बाद एजुकेशन यहाँ पे नॉर्मल सा है, 10th 12th और डिग्री अगर आपके पास है BBTech वगैरह, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आपका 26 जून 2021 तक आवेदन होगा, जो कि आपको ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से करना होगा। इसके बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो शॉर्ट लिस्टिंग और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। इसके लिए हम लोग बात करेंगे डिटेल में, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको आवेदन करने का डाउनलोड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ज्वाइन इंडियन नेवी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा आपको आवेदन यहाँ पे जून के महीने से करना होगा। तो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी इजी होता है आवेदन करना। सबसे पहले तो अगर आपके पास यहाँ पे ID पासवर्ड वगैरह होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको
सबसे पहले अपना स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बिहार स्टेट सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है उसको फिल करिए, जैसे कि R9QQ और QP, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा R और 92, और इसके बाद यहाँ पे आपको Q दिखेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको P भी फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगी सेव की, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे ये पेज लोडिंग लेगा और आपसे क्रिएट अकाउंट या फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले इंडियन नेवी की किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जरूर होगा, आप लोग उसको डाल के और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी इंडियन नेवी की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा, आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। इसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के सेंड OTP के बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पे आधार की सहायता से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो भी OTP आएगा आगे जो आपको ऑप्शन मिलेगा आपको दे देना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक A to Z आवेदन करने की वीडियो बना के आपको दूं ताकि आप लोग प्रॉपरली आवेदन कर सकें बिना किसी डाउट के, तो इस वीडियो के लिए 500 लाइक का टारगेट है। जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे आपको आवेदन करने की वीडियो दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। We'll be right back.